हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर, कैसे हो आप फ्रेंड्स। ICAI ने एक न्यू एजुकेशन की स्कीम प्रपोज किया है जिसके ऊपर में 30 जून तक के स्टेक होल्डर्स को कमेंट करने का टाइम दिया गया है। फीडबैक हम लोग दे सकते हैं boscret.icai.org इस वेबसाइट पर जाकर के। अब इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें लगती हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ फीडबैक में देना चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल है, तो आप ज़रूर जाकर के फीडबैक फॉर्म आज ही भरिए। तो पहली बात कि CA फाउंडेशन का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको 50% फॉर ईच पेपर कर दिया है, विच आई थिंक इज वेरी टफ। इससे CA फाउंडेशन का रिजल्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा एंड कई सारे वर्दी स्टूडेंट्स जो कि अदरवाइज CA बन सकते थे वो भी इस कोर्स के बाहर हो जाएंगे या उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकेंडली, CA इंटरमीडिएट की बोर्ड ग्रुप क्लियर करने के बाद ही अब आर्टिकलशिप में स्टूडेंट्स को एंट्रेंस मिलेगी, आर्टिकलशिप के लिए वो रजिस्टर कर पाएंगे। एंड अगेन दैट इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि हर एक स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड ग्रुप नहीं कर पाता है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को एक एक अटेम्प्ट में एक एक ग्रुप करने के लिए टाइम लगता है, छः महीने या एक साल का गैप हो जाता है। सो ऐसे में भी CA बनने का ओवरऑल ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ऑन एन एवरेज एंड जो पासिंग रेशियो है वो भी कम हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज दैट आर्टिकलशिप का जो टाइम पीरियड है उसको 3 साल से रिड्यूस करके 2 साल कर दिया है। सुनने को तो अच्छा लगता है एज अ स्टूडेंट, लेकिन इससे आपके नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट आएगा एंड इट विल बी नॉट गुड इन द लॉन्ग रन।